टाइप करके वो कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो प्रश्न पूछा था उसके उत्तर की तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि रेगुर के नाम से किस मिट्टी को जो है वो जाना जाता है लाल मिट्टी लेटराइट मिट्टी काली मिट्टी जाल, मिट्टी इस प्रकार से चार ऑप्शन थे आपको बताना था इन चारों में से कौन सा सही होगा तो सभी ने उत्तर इसका बिल्कुल सही दिया था चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी जो है वो सही हो जाएगा रेगुर के नाम से काली मिट्टी को जो है वो जाना जाता है और जो काली मिट्टी है इसका जो काला रंग होता है वो किसके कारण होता है यदि ये, ये पूछा जाए तो नाम ध्यान रखिएगा फेरस मैग्नेटाइट और उसके साथ साथ जो और दूसरा आपका इसके साथ साथ ये भी आप कह सकते हैं कि इसी मिट्टी में आपको आयरन चूना एल्यूमिनियम मैग्नीशियम इन सभी की भी बहुलता देखने को मिलती है यहां से सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो काली मिट्टी है वो किस प्रकार की खेती के लिए सबसे ज्यादा फेमस है या उपयुक्त है तो आपको ध्यान रखना है कपास जो है उसके लिए सबसे उपयुक्त जो है इसको माना जाता है तो ऑप्शन में यदि आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो कपास को एकदम रट लीजिए चलिए आप शुरू कर लेते हैं इस वीडियो के प्रश्न तो पहला प्रश्न आपका आपके स्क्रीन पर है कि भारत में नारी आंदोलन का सूत्रपात किसकी प्रेरणा से हुआ था रमाबाई राडे विजय लक्ष्मी पंडित यहां पर पंडित होगा इसको आप समझ लीजिएगा और ऑप्शन सी कह रहा है सरोजनी नायडू और चौथा ऑप्शन कह रहा है एनी बेसेंट तो तो चार ऑप्शन 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 है 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 आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा ए बी सी या डी तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए रमा बाई रनाडे जो है वो सही हो जाएगा ध्यान रखिएगा जो नारी आंदोलन है उसका सूत्रपात जो है वो किसकी प्रेरणा से हुआ था तो रमाबाई रनाडे जो है वो इनकी प्रेरणा से हुआ था तो रमा भाई जो रनाडे महाराष्ट्र की महान महिला सामाजिक कार्यकर्ता और समाज सुधारिका के रूप में जो है वो जानी जाती हैं इन्होंने जो भारतवर्ष है उसमें जो नारी आंदोलन है इसका सूत्रपात किया था इसके संबंध में आपसे प्रश्न पूछा गया है परंतु इसके साथ साथ इन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया था और जीवन भर महिलाओं की शिक्षा और उनके उत्थान के लिए भी कार्य किया था इसके रूप में भी जो ये जानी जाती हैं यहाँ पर एक सन भी ध्यान रखिएगा 1889 में इन्हीं के संबंध में आपको ध्यान होना पता होना चाहिए 1889 में इन्होंने विधवाओं तथा जो अन्य महिलाएं उनकी शिक्षा के लिए शारदा सदन की भी स्थापना की थी तो शारदा सदन किसने स्थापना की थी यह पूछा जाए तो रमा भाई रणाडे आपका जो है वो सही हो जाएगा चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दूसरा कि निम्नलिखित अध्ययनों में से किस साक्ष्य आधारित अभ्यास यानी कि ईबीपी को सबसे अधिक जो है वो पसंद किया जाता है गुणात्मक अध्ययन मात्रात्मक अध्ययन सैद्धांतिक अध्ययन या मामले के अध्ययन चार ऑप्शन है आपको छंटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए गुणात्मक अध्ययन जो है वो सही हो जाएगा तो अध्ययन अलग अलग पूछे गए थे इनमें से किस साक्ष्य आधारित अभ्यास को सबसे अधिक पसंद किया जाता है तो गुणात्मक अध्ययन आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा देखते हैं तीसरा प्रश्न कि सूची वन और सूची टू जो है उसे सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए जो कूट है उससे सही उत्तर का चयन कीजिए साइड में यहाँ पर कूट दे रखा है सूची वन में रामानुज लिखा हुआ है ऑप्शन बी में माधवाचार्य लिखा है ऑप्शन सी में निम्बार्क लिखा है और ऑप्शन डी में वल्लभाचार्य लिखा है इसी प्रकार सूची टू में बात करें तो शुद्धा द्वैत लिखा है दूसरे वाले ऑप्शन में द्वैता द्वैत लिखा है तीसरे वाले ऑप्शन में द्वैत लिखा है और चौथे वाले ऑप्शन में विशिष्टा द्वैत लिखा है तो चारों मैंने आपको पढ़ के दिखा दिए थोड़ा सा यहाँ पर जो सूची बनी हुई है वो क्लियर हो सकता हो आपको ना दिख रही हो परंतु आप वीडियो की क्वालिटी फुल करके देखेंगे तो आपको स्पष्ट दिखाई देगी मैंने पढ़कर भी इसलिए बता दिया तो चार ऑप्शन है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है वो सही मिलान होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी डी तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा यानी ए वाला ऑप्शन जो है वो चार से मैच करेगा रामानुज जो है आपका विशिष्टा द्वैत से मैच करेगा इसी प्रकार बी वाला ऑप्शन तीन से मैच करेगा चार जो है वो द्वैत से संबंधित है सी वाला ऑप्शन दो से मैच करेगा यानी कि निम्बार्क जो है आपका ऑप्शन नंबर टू द्वैता द्वैत हो जाएगा और बचा आप एक ऑप्शन आपका वल्लवाचार जो कि आपका ऑप्शन नंबर वन से मैच करेगा यानी कि शुद्धा द्वैत आपका ऑप्शन नंबर फोर जो है वो हो जाएगा तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए है वो सही हो जाएगा चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न चौथा प्रश्न कह रहा है कि स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट मनोवैज्ञानिक उपचार के रूप में एक निरूपित आबादी के साथ नियंत्रित अनुसंधान के क्षेत्र में प्रभावी होना दिखाया गया है यहाँ तक आपका एक कथन लिखा हुआ है आगे प्रश्न पूछा गया है कि इस कथन से निम्नलिखित में से किसको परिभाषित किया गया है पहला ऑप्शन कह रहा है अनुभव से समर्थित हस्तक्षेप दूसरा कह रहा है साक्ष्य आधारित अभ्यास तीसरा कह रहा है अनुभव से समर्थित उपचार और चौथा कह रहा है उत्तम अभ्यास तो चार ऑप्शन है आपको छाटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कि इन चारों में से कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी अनुभव से समर्थित उपचार जो है वो सही हो जाएगा तो इस कथन से से निम्नलिखित में किसको परिभाषित किया गया तो ये यहाँ पर पूछा गया था देखते हैं अपना अगला प्रश्न पांचवा कि विश्व विकलांग दिवस की स्थिति को जो है वो मनाया जाता है पंद्रह दिसंबर को तीन दिसंबर को दस दिसंबर को या छब्बीस दिसंबर को चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा विश्व विकलांग दिवस जो है यहाँ पर पूछा गया है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी तीन दिसंबर जो है वो सही हो जाएगा अब विश्व विकलांग दिवस जो है इसके बारे में बात करें तो इसे वर्तमान में विकलांग वर्ड को विकलांग ना कहकर दिव्यांग वर्ड जो है वो शब्द दिया गया है तो आपको दिव्यांग जो है वो शब्द देखने को मिलेगा तीन दिसंबर को मनाया जाता है ये तो मैंने आपको बता दिया इसके अलावा उन्नीस सौ छिहत्तर यानी कि नाइनटीन हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में संयुक्त राष्ट्र आम सभा के द्वारा जो विकलांग जन है उनके अंतरराष्ट्रीय वर्ष के रूप में वर्ष नाइनटीन एट्टी वन को जो है वो घोषित किया गया था ध्यान अवश्य रखिएगा आपका तीन दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है अपना अगला प्रश्न देखते हैं छठा कि प्रकाश तरंगों को ध्रुवित जो है वो किया जा सकता है क्योंकि इनका वेग बहुत अधिक होता है यह अनुदैर्ध होती हैं, या अनुप्रस्थ होती हैं, या इनमें विवर्तन जो है वो होता है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है क्योंकि इस प्रकार से आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी यह अनुप्रस्थ होती है ये जो है वो सही हो जाएगा तो प्रकाश तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है क्योंकि ये जो है वो अनुप्रस्थ जो है वो होती हैं और विद्युत बल्ब या ट्यूबलाइट ये सारी चीजें जो आप देखते हैं इनसे उत्सर्जित होने वाला जो प्रकाश होता है या प्रकाश की जो तरंगे होती हैं वो आपकी आध्रुवित होती हैं जबकि प्रश्न में ध्रुवित पूछा गया था तो आध्रुवित के संबंध में भी आपको पता होना चाहिए अगला प्रश्न देखते हैं सातवां कि भीम बेटका जाना जाता है इसके शैल चित्रों के लिए स्तंभ शिलालेख के लिए मिट्टी के खिलौने के लिए या मूर्तियों के लिए चार ऑप्शन है आपको बताना है कि जो भीम बेट का है वो किसके लिए जो है वो जाना चाहता है इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो वीडियो में बताए गए जो प्रश्न है वो पसंद आ रहे हो तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा तो चार ऑप्शन है बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर ए शैल चित्रों के लिए जो है वो सही हो जाएगा भीम का आपका स्थित कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश में जो है वो स्थित है जिसमें आप कह सकते हैं गुफाएं है और जो चट्टानी है वो आश्रय जो है उसमें लोग जो है वो रहते हैं और एक प्राचीन स्थल के रूप में जो है ये जाना जाता है और जो आपका ऑप्शन में लिखा है शैल चित्रों के लिए इसके संबंध में यदि बात करें तो जो भीम बेटका है इसकी गुफाओं में से कई दीवारें हैं जिन पर चित्र भी जो है वो दिखाई देते हैं और ये चित्र कौन से हैं तो मुख्य रूप से जो जंगली जानवर हैं उनके चित्र हैं और इसके साथ साथ अद्भुत जो कला कौशल है उस समय की उसके साथ भी आपको यहाँ पर चित्र देखने को मिलते हैं देखते हैं अपना अगला प्रश्न आठवां कि बिस्मिल्ला का किस वाद्य यंत्र से जो है वो संबंधित रहे हैं सरोद से सहनाई से तबला से या सितार से इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की बहुत ही फेमस है आप सभी ने नाम अवश्य इनका सुना होगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी सहनाई जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा जिन्होंने अभी तक इनका नाम नहीं सुना है तो इनकी मैं फोटो भी आपको दिखा देता हूं ये देख सकते हैं आप बिस्मिल्ला खां हैं जो कि सहनाई बजाते हुए आप देख पा रहे हैं तो ये जो है वो सहनाई से ही जो है वो संबंधित है ध्यान रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा देखते हैं अपना अगला प्रश्न नवा प्रश्न कह रहा है कि अगस्त कामटे ने सामाजिक विज्ञान शब्द का प्रयोग जो है वो किसका वर्णन करने के लिए किया मानव का क्षेत्र का समाज का या पर्यावरण का चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी क्षेत्र जो है वो सही हो जाएगा तो अगस्त जो कामटे हैं इन्होंने क्षेत्र जो है इसका वर्णन करने के लिए जो सामाजिक विज्ञान शब्द है इसका प्रयोग जो है वो किया था और ये जो है वो चार्ल्स फेरियर एक व्यक्ति थे उनके विचारों से लिया गया है ये भी जो है वो आपको पता होना चाहिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न दसवां कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे जेबी कृपलानी या पंडित जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी या सरदार वल्लभ भाई पटेल चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो कौन थे तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा ये आपका काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है सुपर टेट के लिए भी इसको एकदम याद रखिएगा आपका ऑप्शन नंबर ए जेबी कृपलानी जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पर जो जे और बी इनका शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है तो जो जे है इससे इनका नाम है जीवंत राम और यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है जेबी कृपलानी में इससे इनका नाम है भगवान दास तो पूरा नाम क्या हुआ जीवंत राम भगवान दास ये जो है वो जेबी कृपलानी थे जो कि भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो थे देखते हैं अपना अगला प्रश्न ग्यारवा कि निम्नलिखित में से क्या सूक्ष्म चिंतन को नहीं दर्शाता है अंकित मूल्य पर अंधी स्वीकृति तार्किक व्याख्या विचारों को स्पष्टता या विचारों की स्पष्टता और दृष्टिकोण तो चार ऑप्शन आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा ऑप्शन ए बी सी या डी तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो यहां पर पूछा क्या गया है सूक्ष्म चिंतन को नहीं दर्शाता है तो आप कह सकते हैं सूक्ष्म चिंतन के अभाव में एक व्यक्ति जो अंकित मूल्य होता है उस पर बिना किसी तर्क या विचार की जो तर्क संगत व्याख्या उसमें विश्वास करता है तो इसीलिए आपका ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा अंकित मूल्य पर अंधी स्वीकृति ये ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा देखते हैं अपना अगला प्रश्न बारवा रसायन शास्त्र में सार्वभौमिक घोल है या घोलक है इस टाइप से पूछा गया अल्कोहल एसिटोन क्लोरोफॉर्म जल इस टाइप से चार ऑप्शन है आपको बताना इन चारों में से कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी जल जो है वो सही हो जाएगा जो जल होता है कि किसी अन्य रासायनिक की तुलना में आप कह सकते हैं जो अधिक यौगिक हैं उनको घोल सकता है इसीलिए इसको सार्वभौमिक विलायक के रूप में या सार्वभौमिक घोलक के रूप में या सार्वभौमिक सॉल्वेंट के रूप में जाना जाता है जो घोलक है इसी को हम विलायक कहते हैं विलायक आपको नहीं पता है क्या होता है तो विलायक या घोलक कहते हैं कि कोई भी पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को घोलने में सक्षम होता है उसे हम विलायक जो है वो कहते हैं तो आपका जल जो है वो सही हो जाएगा देखते हैं अपना अगला प्रश्न थर्टीन की निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी गतिविधि सूक्ष्म चिंतन जो है वो में शामिल है यहाँ पर डी नहीं होगा केवल शामिल है प्रश्न में पूछा गया है एक कार खरीदना एक विश्वविद्यालय जो है उसमें पाठ्यक्रम का चयन तीसरा ऑप्शन कह रहा है कि अपने दांतों पर जो है वो ब्रश करना और चौथा कह रहा है आपका टहलना तो आपको छाटना क्या है कि कौन सी गतिविधि सूक्ष्म चिंतन जो है उसमें शामिल है ऑप्शन ए एक और तीन ऑप्शन बी एक और दो ऑप्शन सी दो और चार और ऑप्शन डी तीन और चार तो चलिए बात करते हैं कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे तो पहला आपका बिल्कुल सही होगा यानी कि एक कार खरीदना और दूसरा भी सही होगा यानी कि एक विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम जो है उसका चयन तो इसके आधार पर आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा यानी कि एक और दो जो कि आपके सूक्ष्म चिंतन में जो है वो शामिल है और दोनों ही मामलों में आप कह सकते हैं कि जो व्यक्ति है वो अपने लक्ष्य और आवश्यकताओं के संबंध में विश्लेषण करता है मूल्यांकन करता है तो ये सारी चीज़ें आपके सूक्ष्म जो चिंतन है उसी में जो है वो शामिल होती हैं और निष्कर्ष भी आप कह सकते हैं सूक्ष्म चिंतन में ही आ जाएगा देखते हैं अपना अगला प्रश्न फोर्टीन कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के साथ समकालीन मुद्दों और समस्याओं को लागू करना क्यों आवश्यक है ये बच्चों को राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में जानने में मदद करता है दूसरा कह रहा है कि बच्चों की सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझने में मदद करता है तीसरा कह रहा है ये बच्चों को समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में मदद करता है और चौथा कह रहा है कि अध्यापन को आसान बनाता है तो आपको यहाँ पर बताना है सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के साथ तो समकालीन मुद्दे और समस्याएं उनको क्यों लागू करना आवश्यक है और चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दे रखे हैं चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ये बच्चों को समाज के सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को समझने में जो है वो मदद करता है तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा जिसमें आप कह सकते हैं सभी समस्याएं जैसे कि बच्चों की गरीबी अशिक्षा बाल श्रम वर्ग जाति ये सभी सामाजिक और आर्थिक समस्याएं जो है उनको समझने में मदद मिलती है तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा अगला प्रश्न देखते हैं 15, कि मुद्रा स्फीति से से निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक लाभान्वित होता है ऋण लेने वाला ऋण देने वाला बचत बैंक खाताधारी या सरकारी पेंशन पाने वाला चार ऑप्शन है आपको बताना है, इन चारों में से कौन सा सही होगा मुद्रा स्फीति के संबंध में यहाँ पर जो है वो प्रश्न पूछा गया है तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो बिल्कुल आपको ऑप्शन नंबर ए ऋण लेने वाला जो है वो सही हो जाएगा अब मुद्रास्फीति होती क्या है तो इसका अर्थ आप कह सकते हैं जो वस्तुएं होती उनकी कीमतों में लगातार वृद्धि होने की जो प्रवृत्ति होती है जिसे रोकना आप कह सकते हैं कठिन है वही आपका मुद्रास्फीति होता है और उसके कारण आप कह सकते हैं जो मुद्रा है उसकी जो क्रय शक्ति होती है वो भी घटती है जिससे कि जो ऋण लेने वाला है उसको लाभ पहुँचता है यही आपका यहाँ पर प्रश्न में पूछा गया था तो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा सोलह नंबर प्रश्न है कि अठारह सत्तावन का विद्रोह किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है वो हुआ था लॉर्ड कैनिंग लॉर्ड इरविन लॉर्ड लिटन या लॉर्ड विलिंगटन इस प्रकार से चार ऑप्शन है आपको बताना है कि किसके शासन काल में या किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के शासन काल में अठारह जो है उसका विद्रोह हुआ था बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा तो अट्ठारह का विद्रोह के संबंध में ध्यान में रखिएगा था और ये यानी कि जो लार्ड कैनिंग ये कब से कब तक रहे थे तो 1837 से लेकर अठारह सौ तक जो है गवर्नर जनरल जो है या भारत के जो गवर्नर जनरल है उसके पद पर जो है वो रहे थे प्रश्न देखते हैं कॉपर सल्फेट का जलीय गोल अम्लीय होता है क्योंकि इसमें लवण का हो जाता है अपोहन हो जाता है विद्युत अपघटन हो जाता है जल अपघटन हो जाता है या प्रकाश अपघटन हो जाता है चार ऑप्शन है आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जल अपघटन जो है वो सही हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट का जलीय जलीयोल अम्लीय हो जाता है क्योंकि इसमें जो लवण है उसका जल अपघटन हो जाता है नंबर प्रश्न है आपका कि प्रयाग प्रशस्ति को किसने लिखा था जो समुद्र गुप्त के शासन काल का सबसे विस्तृत और प्रमाणिक अभिलेख बना पहला ऑप्शन कह रहा है बी ए स्मिथ दूसरा कह रहा है कालिदास तीसरा कह रहा है हरिसेन और चौथा ऑप्शन कह रहा है घटोत तो चार ऑप्शन है आपको छाटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि जो प्रयाग प्रशस्ति उसको लिखा जो है वो किसने था तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हरिसेन जो है वो सही हो जाएगा जो तो आपके एक शासन काल था समुद्रगुप्त का तो उसके शासन काल का सबसे महत्वपूर्ण परमाणु में से आपका ये प्रयाग प्रशस्ति जो है वो जाना जाता है या तो उसके संबंध में आप कह सकते हैं प्रयाग प्रशस्ति से जो है वो जानकारी मिलती है तो उन्हीं के यानी कि जो समुद्र गुप्त है उन्हीं के दरबारी कवि थे जिनका नाम था हरिसेन तो यही आपके जो है इसके राइटर या इनके द्वारा रचा या लिखा जो है वो गया था चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न और इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है चैनल पर नया आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन भी डेली मिलते रहे नोटिफिकेशन ना भी मिले तब भी आप टाइम पर आ सकते हैं क्योंकि टाइमिंग यहाँ पर दोपहर की तीन बजे फिक्स है और उसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल से यदि अभी तक आप नहीं ऐड है तो बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगी वहाँ से भी आप ऐड हो सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं अब अपना प्रश्न कि भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन को जो है वो कब अपनाया था तो जुलाई 1948 में तो जुलाई 1950 में जुलाई 1947 में या अगस्त 1947 में चार ऑप्शन है आपको बताना है कौन सा सही होगा तो चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा तो आपका ऑप्शन नंबर सी जुलाई उन्नीस जो है वो सही हो जाएगा प्रश्न यहाँ से ये पूछा जाता है कि जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था तो पिंगली वैंकिया नाम के एक व्यक्ति थे पिंगली वैंकिया नाम के जिनके द्वारा डिजाइन किया गया था और जिसको भारत की जो संविधान सभा है उसने 22 जुलाई 1947 को जो है वो स्वीकार कर लिया गया था यहाँ पर 22 तारीख नहीं लिखा है परंतु आपको ये भी जो है वो याद होना चाहिए ऑप्शन में हो सकता है जुलाई आपको उन्नीस करके और ऑप्शन देखने को मिल जाए तो वहां पर आपको ये बाईस तारीख हेल्प करेगी चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे प्रश्न पूछते हैं इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न ये है मानव चंद्रमा पर सर्वप्रथम कब जो है वो उतरा था 1953 ईस्वी में 1963 ईस्वी में 1969 ईस्वी में या 1971 ईस्वी में चार ऑप्शन है इन चारों में में से कौन सा सही होगा वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य आप चाहें तो ऑप्शन ए बी सी डी टाइप करके भी अपना ऑप्शन बता सकते हैं तो सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए सेशन को ज्वाइन कीजिए सेशन को एंजॉय कीजिए ताकि आपको भी मजा आए इस प्रकार डेली बीस प्रश्न कराने करके प्रैक्टिस जो है वो करने में और ये कहीं ना कहीं आपका अन्य जो एग्जाम है उसके लिए भी हेल्प करेंगे क्योंकि एस आपकी लगभग सभी पेपर में जो है वो आती है तो इसी के साथ हमारे आज का पार्ट समाप्त होता है आज खुद में इतना ही वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा नए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार थैंक यू फॉर वॉचिंग